सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एड फोटो में क्लिक करना है। एड फोटो में क्लिक करने के बाद आप लोग को एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है अपना। ऐड करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड रिमूव वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इरेजर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हार्डनेस को पूरा माइनस कर देना है और ओपेसिटी को 40 रख लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से इरेज कर लेना है। इस तरीके से आप लोग को भी इरेज करना है। इरेज करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाकर सैचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है। उसके बाद डन करके बैक आना है और ओपेसिटी को 55 रख लेना है। उसके बाद आप लोग को फिर से आप लोग को एड फोटो में क्लिक करना है। एड फोटो में क्लिक करने के बाद एक और फोटो ऐड कर लेना है, जो कि फुल फोटो होना चाहिए। उसके बाद इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड रिमूव वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। थोड़ी देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद इसमें शैडो लगाना है, तो स्टिकर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और इसमें सर्च कर लेना है शैडो। शैडो सर्च करने के बाद आप लोग को फर्स्ट में ही शैडो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से पैर के नीचे एडजस्ट करना है। उसके बाद इसको मूव डाउन कर लेना है। मूव डाउन करने के बाद इसको फिर से डुप्लीकेट करना है, एडजस्ट कर लेना है पहले अच्छे से। एडजस्ट करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाकर इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसका साइज छोटा करके दूसरे पैर के नीचे इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और मूव डाउन कर लेना है। इतना होने के बाद एक फोटो में क्लिक करने के बाद आप लोग को हैप्पी बर्थडे का PNG मिलेगा, उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद फिर से एक फोटो में क्लिक करना है। ऐड करने के बाद तो गाइस, इसमें मैं पहले से ही नाम का PNG बना लिया हूँ। अगर आप लोग को भी इस तरीके से PNG बनवाना है तो वीडियो में कमेंट कर देना अपना नाम, या फिर खुद से बना सकते हो इस तरीके का नाम। उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद फिर से हम लोग को एड फोटो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और आप लोग को PNG मिलेगा, उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, कितना बेहतरीन दिख रहा है। इतना होने के बाद फिर डन कर लेना है और सेव वाले आइकन में क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना है। फ़ोटो को सेव करने के बाद लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एड फोटो में क्लिक करके अपना फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फ़ोटो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रास्ट को माइनस एड कर लेना है। माइनस एड करने के बाद हाईलाइट को इंक्रीज करना है, इसको +10 रख लेना है। उसके बाद शेडो को भी +10 रख लेना है। उसके बाद वाइट को +6 कर लेना है। उसके बाद ब्लैक वाले ऑप्शन में जाना है और ब्लैक को -20 कर लेना है। उसके बाद इतना होने के बाद हम लोग को कलर वाले ऑप्शन में जाना है और वाइब्रेंस को इंक्रीज करके +20 कर लेना है। सैचुरेशन को भी इंक्रीज करके +20 कर लेना है।
इतना करने के बाद टेम्परेचर को -8 कर लेना है। उसके बाद मिक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद सैचुरेशन को अपने फेस के अकॉर्डिंग माइनस करना है। मैं इसमें 20 कर लेता हूँ, 20 आप 15 के अराउंड रख लेना है। उसके बाद ल्यूमिनेंस को भी इंक्रीज कर लेना है जिससे आपका फेस वाइट होगा, तो इसको अपने फेस के अकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद येलो कलर में जाना है, येलो कलर में जाने के बाद सैचुरेशन को फुली माइनस कर देना है। उसके बाद ग्रीन कलर में जाना है, ग्रीन कलर में जाने के बाद ह्यू को +25 रख लेना है और सैचुरेशन को हल्का सा माइनस करना है। उसके बाद स्काई ब्लू कलर में जाना है, स्काई ब्लू कलर में जाने के बाद ह्यू को हल्का सा माइनस करना है। माइनस करने के बाद सैचुरेशन को भी हल्का सा माइनस कर लेना है। उसके बाद ल्यूमिनेंस को आप लोग को इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद ब्लू कलर में जाना है, ब्लू कलर में जाने के बाद ह्यू को इंक्रीज कर लेना है और ल्यूमिनेंस को भी इंक्रीज कर लेना है। इतना होने के बाद डन कर लेना है। डन करने के बाद बैक आना है, बैक आने के बाद लाइट वाले ऑप्शन में जाना है और कर्व वाले ऑप्शन में जाकर ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद इसको हम लोग को हल्का हल्का इसको 3 डॉट को ऊपर साइड खींच लेना है इस तरीके से। देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से आप लोग को भी कर लेना है। उसके बाद वाइट वाले ऊपर सेलेक्ट करना है और इसमें फर्स्ट डॉट को नीचे साइड क्लिक और सेकेंड डॉट को भी हल्का सा नीचे करना है और थर्ड डॉट को हल्का सा ऊपर कर लेना है। और बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं गाइस, कितना अच्छी तरीके से एडिट हो चुका है। तो इसको शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना है।